मैं चांदनी परिहार ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की। दीनदयाल शिविर में दिव्यांगों को मिले हाथों हाथ प्रमाण पत्र। मोरसिम सरपंच के खिलाफ वार्ड मंचों ने दिया अविश्वास प्रस्ताव। नवापुरा जीएसएस में पुरानी विद्युत लाइन से किसान परेशान। पेंशनर निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर आयोजित। नुक्कड़ नाटक के द्वारा दी जनहित योजनाओं की जानकारी। दीनदयाल शिविर में दिव्यांगों को मिले हाथों हाथ प्रमाण पत्र। जिला सार्वजनिक चिकित्सालय जालौर में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर का द्वितीय चरण आज शुक्रवार को आयोजित हुआ, जिसके तहत जिले के पात्र विशेष योग्यजनों को हाथों हाथ विशेष योग्यता के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इससे पूर्व इन पात्र अभ्यर्थियों को कई वर्षों से प्रमाण पत्र के लिए विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन इस सरकारी मुहिम के दौरान अब इन पात्रों को प्रमाण पत्र सहजता से प्रदान किए गए। शिविर के दौरान जिले भर के विभिन्न गांवों से दिव्यांगों ने आकर योजना का लाभ उठाया। मोरसिंह सरपंच के खिलाफ वार्ड पंचों ने लिया अविश्वास प्रस्ताव। बागोड़ा से वीरमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड क्षेत्र की मोरसिंह ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सुबा देवी मेघवाल के विरुद्ध पंचायत की पाक्षिक बैठक उप सरपंच श्रीमती विलास कंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सरपंच मेघवाल की कार्यशैली व विकास के मुद्दों पर निजी हित साधने व अपने पति का पंचायत सहायक में चयन करने सहित विभिन्न सवालिया निशान लगाते उप सरपंच कंवर ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, जिसके समर्थन में वार्ड पंचों ने प्रस्ताव रजिस्टर में स्वीकृति प्रदान करते हुए हस्ताक्षर किए तथा अनुमोदन पारित किया गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मोरसिंह में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। मोरसिंह ग्राम सेवक रमेश कुमार जिंगर ने बताया कि गत 20 नवंबर को पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केंद्र में सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच श्रीमती विलास कंवर की अध्यक्षता में साधारण सभा आयोजित कर सरपंच सुबा देवी मेघवाल की कार्यशैली व विकास के बहाने निजी हित में करवाए विकास कार्यों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लिया गया है। इस दौरान पट्टों संबंधित पाइपलाइन संबंधी सहित कई मुद्दों पर विरोध व आपत्ति जताते हुए उप सरपंच कंवर ने पारित प्रस्ताव को विकास अधिकारी भिनमाल, कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद व जिला कलेक्टर जालौर को भेजने की अनुशंसा करते हुए सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तिथि मुकर्रर करने से वार्ड पंच अविश्वास के पक्ष में मतदान कर पाए। पाक्षिक बैठक में चंदन सिंह, दीप सिंह, दशरथ खंगाला राम, सांवला राम, लाल कंवर, हेवन देवी, कसूबी देवी, शांति देवी उपस्थित थी। नवापुरा जीएसएस में पुरानी विद्युत लाइन से किसान परेशान। बागोड़ा से वीरमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार नवापुरा जीएसएस की पुरानी विद्युत लाइन व अन्य उपकरणों के खराब होने से किसानों को रबी की फसल की सीजन में हो रही कटौती व बार बार फॉल्ट की समस्याओं के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने डिस्कॉम अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उपखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बाड़मेर जिला सरहद पर बसे नवापुरा गांव में किसानों को बिजली मुहैया कराने के मकसद से निगम की ओर से जीएसएस का निर्माण कर कृषि बेरों में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, लेकिन डिस्कॉम अधिकारियों की बेपरवाही का खामियाजा इन दिनों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि जीएसएस की पुरानी लाइन में जगह जगह जॉइंट होने व इंसुलेटर पुराने होने से बार बार फॉल्ट की समस्या आ रही है, लेकिन अधिकारी समाधान करने की बजाय कोई सुध तक नहीं ले रहे।
बुधवार की रात में बीएसएस में इंसुलेटर फॉल्ट होने से रात भर नवापुरा, वाटेरा व नादिया के किसानों को विद्युत का इंतजार करने के बाद जब दर्जनों किसान जीएसएस पर पहुंचे तो वहां जवाब तक देने वाला नहीं देखकर कनिष्ठ अभियंता डिस्कॉम धुंगड़िया को दूरभाष पर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई, मगर उन्हें संतोषजनक जवाब तक नहीं मिला। किसानों ने बताया कि उन्हें खराब यंत्रों की वजह से 3-4 घंटे ही विद्युत आपूर्ति मिली, जो ऊंट के मुंह में जीरे के दाने के समान है। ऐसे में खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए रात भर इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान कर्णाराम, वजाराम, तिकमाराम, माधाराम समेत नदिया व वाटेरा के कई किसान मौजूद थे। पेंशनर निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर आयोजित। जिला मुख्यालय से राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार पेंशनर समाज जालोर द्वारा दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पेंशनर के दांतों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श व चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में डॉक्टर मदन सिंह ने मरीजों के दांतों की जांच कर निशुल्क दवाइयां भी प्रदान की। शिविर में पेंशनर धनराज दवे, मधुश्याम गुप्ता, बद्रीदान चारण सहित पेंशनर्स मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक के द्वारा दी जनहित योजनाओं की जानकारी। बागरा से सुमेर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागरा में पंचम वित्त आयोग की अनुपालना में माया जन विकास संस्थान दोसा से आए स्वरूप एंड पार्टी के द्वारा विद्यालय में नुक्कड़ नाटक एवं कठपुतली प्रदर्शन किया गया, जिसमें कलाकारों के द्वारा स्थानीय एवं हिंदी भाषा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण सुरक्षा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण अभियान, मुकदमेबाजी से मुक्त गांव एवं शौचालय निर्माण संबंधित जानकारी नाटकों के माध्यम से रोचक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय विद्यालय के कार्यवाहक संस्था प्रधान मोहनलाल सोलंकी ने सभी कलाकारों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर व्याख्याता अमर सिंह, संजय सिंह, सामलाराम, अध्यापक राजेंद्र बेरवा, रजत मुद्गल, हर्ष चंपावत, सुशीला बीएम, लीला गहलोत, विजेंद्र प्रजापति, पंचायत सहायक हरीश रांगी सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जन समय न्यूज। किसानों के विकास को लेकर लक्ष्य बनाकर दिन रात प्रयास कर रहे हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्री नारा चंद्र बाबू नायडू का राजनीति में प्रवेश कर आज 40 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाओं सहित सोमाराम गहलोत, समाज सेवी, तेदेपा, वाणिज्य विभाग के उपाध्यक्ष। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। निकाली जाएगी। महारैली पीडब्ल्यूडी परिसर से ममता हॉस्पिटल,
हापडेजा बस स्टैंड मेहता हॉस्पिटल होते हुए उपखंड कार्यालय से पुनः परिसर तक आएगी। सायना के आसाराम में राधा कृष्ण मंदिर पर चढ़ाई ध्वजा। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार सायला के आसाराम गांव में स्थित राधा कृष्ण मंदिर पर वार्षिक ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत पांडाल को सजाकर तैयार किया गया एवं परिसर में भजनों व भक्ति गीतों की गूंज उठ गई, जिसमें गुरुवार को रात को श्रवण दास वैष्णव एंड पार्टी बागरा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं भजनों के माध्यम से नशा मुक्ति व स्वस्थ गांव रखने की भी बात कही गई। शुक्रवार सुबह भक्त हेमंत सिंह दहिया आसाणा की तरफ से मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाकर देवी देवता को भोग लगाया गया। कार्यक्रम में भोजन प्रसादी का आयोजन भी हुआ, जिसमें गांव सहित आसपास के 36 कौम के लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर कुंवर महिपाल सिंह चंपावत व हेम सिंह दहिया, मदन सिंह, राम सिंह, श्रवण सिंह सहित गांव के कई लोग मौजूद थे। नेहरू युवा केंद्र ने थवाऊ में चलाया स्वच्छता अभियान। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जिले के थवाऊ में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के विभाग नेहरू युवा केंद्र जालोर के जिला युवा समन्वयक ओम प्रकाश जोशी के निर्देशानुसार भिरमाल ब्लॉक के राष्ट्रीय स्वयं सेवक भरत कुमार भाटी के सानिध्य में मरुधर विद्या मंदिर थवाऊ में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। भाटी ने बताया कि जिसमें ग्रामीण युवा मंडल थवाऊ के सदस्य एवं विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा गांव के सार्वजनिक जगह आम चौहटा, हनुमान मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर परिसर व विद्यालय प्रांगण में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य हरचंद राम ने बताया कि हमें नियमित रूप से सार्वजनिक जगह की सफाई करनी चाहिए, जिससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ग्रामीण युवा मंडल सदस्य चेनाराम राणा ने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने व इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका सर्वोपरि हो, इस बात पर जोर दिया। इस मौके पर अध्यापक भोमाराम, गोविंद राम, जितेंद्र वैष्णव, खेतेश्वर सुधार, चेनाराम गर्ग, पीराराम सहित कई युवा साथी एवं विद्यार्थी मौजूद थे। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 120 बच्चों की हुई जांच। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बुढ़लाई नाड़ी स्थित उत्कृष्ट राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 120 बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टर इमरान मोम ने बताया कि इस दौरान निशुल्क दवाइयां वितरित की गई एवं विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 12 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांचौर में भर्ती करवाया गया। इस दौरान डॉक्टर सूरज फार्मासिस्ट राजपाल सिंह एवं ANM कृष्ण का सहयोग रहा। टाइगर को न्याय दिलाने के लिए फोर्स पहुंची जोधपुर। सदाराम माली की रिपोर्ट के अनुसार गौ रक्षा कमांडो फोर्स के अध्यक्ष टाइगर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के साथ पिछले दिनों में सिवाना पुलिस ने झूठे मामले में धारा 151 के तहत उनके साथ मारपीट को लेकर गौ रक्षा कमांडो फोर्स की टीम भारी संख्या में जोधपुर पुलिस महानिदेशक कार्यालय पहुंची, जहां पर टाइगर को न्याय दिलाने के लिए गौ रक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं सहित राजपुरोहित समाज के सैकड़ों लोग मामले का विरोध कर न्याय प्रदान करने व महानिदेशक को ज्ञापन देने के लिए पहुंची। भील समाज के पदाधिकारियों ने लिया कुंभलगढ़ क्षेत्र का जायजा। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरसिंह पढ़ियार सांचौर ने राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तहसील के केलवाड़ा गांव का जायजा लिया। इस दौरान चुनीलाल भील, सांचौर के वेरसीराम, तुलसाराम अध्यापक सुरेश डीसा के साथ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरसिंह पढ़ियार भील सांचौर ने कुंभलगढ़ तहसील का दौरा कर सांकला अध्यक्ष से मिलकर सामाजिक व राजनीतिक जानकारियां ली। दौरे में सामने आया कि कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भील समाज की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। केलवाड़ा में समाज की स्थिति हर क्षेत्र में दयनीय है। यहाँ पर राजनीतिक हलचलें कितनी भी हुई, लेकिन भील समाज स्थिति देश आजाद होने के 70 वर्ष बाद भी आज भी जस की तस है। बालवाड़ा ने गौ सेवा के लिए एक वर्ष में खर्चे 10.5 लाख रुपए। बालवाड़ा से मनोहर सिंह परमार की रिपोर्ट के अनुसार गांव के बिशनगढ़ रोड पर स्थित श्री राम गोपाल गौशाला ने बीते एक वर्ष में गौ माता के पालन पोषण में 10,91,000 रुपए खर्च कर बालवाड़ा ने सेवा कार्यों में मिसाल पेश की है। ये जानकारी गौशाला द्वारा जारी पिछले वर्ष के खर्चे का खाता बनाकर दी गई है। गांव के
के लोगों को गाय के प्रति गहरी प्रेम भावना होने से हर वर्ष लाखों रुपए गौ सेवा में खर्च कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस गौशाला में बीमारियों की रोकथाम हेतु पर्याप्त औषधियां भी उपलब्ध हैं, ताकि समय पर इलाज कर बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। इस गौशाला का निर्माण 2012 में हुआ था और वर्तमान में कुल 90 गौ माता इस गौशाला में अपना जीवन यापन कर रही है। नवाचारी बैठक में जानी शैक्षिक गतिविधियां। रमजान महर की रिपोर्ट के अनुसार 23 नवंबर को बालिका शिक्षा नवाचारी जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन महिला शिक्षण बिहार जालोर में हुआ। बालिका शिक्षा प्रभारी पुरुषोत्तम परिहार ने बताया कि कार्यशाला का उद्घाटन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मोहन लाल राठौड़ ने किया तथा बताया कि बालिकाओं में निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता के निर्माण करने हेतु राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार नवाचारी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। केआरपी सुदेश कुमारी ने सक्षम मीना मंच, अध्यापिका मंच पर विस्तार से प्रकाश डाला और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय के छात्रों में मीना मंच के द्वारा जागरूक शक्ति प्रदान करने की बात कही। इस अवसर पर सर्व शिक्षा अभियान के एपीसी कपिल चौधरी, एएन नवीश कुमार माथुर, आरपी चुनाराम चौधरी, हनुमाना राम मीणा सहित अन्य प्रतिभागी शिक्षिकाएं उपस्थित थी। रानीवाड़ा किसान शिविर में किसानों ने उन्नत खेती की ली जानकारी। रानीवाड़ा से रजब पठान की रिपोर्ट के अनुसार रानीवाड़ा विद्यालय के खेल मैदान में कृषि एवं किसान कल्याणकारी योजनाओं पर जन चेतना अभियान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों के हित की जानकारी दी गई। दुग्ध उत्पादन, कृषि उत्पादन व सौर ऊर्जा के बारे में किसानों को बताया गया। इस अवसर पर विधायक नारायण सिंह देवल भी मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए किसानों को लाभान्वित होने की बात कही। शिविर में नुक्कड़ नाटक के तहत किसान भाइयों को स्वच्छ भारत की जानकारी भी दी गई। इस प्रदर्शनी में सौर ऊर्जा कृषि के लिए खाद्य उत्पादक, सभी बैंक के अधिकारी, पशुपालक विभाग, आंगनवाड़ी विभाग के भी सभी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी किसान भाइयों ने इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही किसानों ने खेती उत्पादन के लिए कई जानकारियां भी हासिल की। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी राजेश मीणा व उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, प्रधान रमीला मेघवाल, सरपंच रीडमल सिंह डाभी भी मौजूद थे। राज पुरोहित बने जामनगर के चुनाव पर्यवेक्षक। बाकरा गांव से नाग सिंह राज पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव में जामनगर जिला कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक के बतौर किशोर राज पुरोहित प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस राजस्थान गुजरात के जामनगर जिला कांग्रेस के अखिल भारतीय की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जामनगर के सभी सातों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने पर्यवेक्षक किशोर राज पुरोहित की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि राज पुरोहित पूर्व में जालोर सिरोही लोकसभा युवा कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज पुरोहित पर विश्वास व कार्य कुशलता देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। जालोर में टॉप 15 के लिए हुए डांस ऑडिशन। राजस्थान डांस कैंप एंड शोकेस द्वारा आज डांस ऑडिशन कार्यक्रम स्थानीय विद्या भारती स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों में से टॉप 15 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जिसका आरडीसी के डांस एकेडमी द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। ये कार्यक्रम कंपनी द्वारा निशुल्क चलाकर केवल राजस्थान के कौशल का देश विदेश में प्रसार कर राजस्थान व यहाँ के कलाकारों का नाम रोशन किया जाएगा। राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता हेतु जिले की टीम का हुआ चयन। आर्य वीर दल एवं एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता हेतु जालोर जिले के नेतृत्व करने के लिए टीम का गठन आर्य वीर दल पद सिंह आर्य व शिवदत्त आर्य ने किया। संघ के सचिव कन्हैयालाल मिश्रा व अध्यक्ष भरत मेघवाल ने बताया कि 18 वर्ष आयु में 6 किलोमीटर दौड़ के लिए भनमाल से हमीर सिंह, रानीवाड़ा से कमलेश तथा 20 वर्ष आयु में 8 किलोमीटर के लिए नटवर कुमार एवं 10 किलोमीटर के लिए गोविंद कुमार का चयन किया गया। 3 दिसंबर को धौलपुर में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ये टीम जिले का नेतृत्व करेंगी। इस दौरान जगदीश सोलंकी, भावेश आर्य, गणपत सिंह सहित कई आर्य वीर उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की खबर में जालोर शहर का आज का तापमान।
अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जन समय न्यूज में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।